अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और सबकी ईद की छुट्टियां बहुत अच्छी गुजर चुकी होंगी। हमारा इस बार ईद पर बंजोसा जाने का इत्तेफाक हुआ। ये एक सडन सा प्लान था। हम आज़ाद कश्मीर में मौजूद थे और वहाँ पे हम त्राड़खल में थे जहाँ से अचानक हमारा बंजोसे का इरादा बना। तो मैंने सोचा कि मैं ये व्यूज़ आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ कि कश्मीर कितनी खूबसूरत जगह है। और हम इस वक्त त्राड़खल से बंजोसा की तरफ जा रहे हैं, जो कि 20 से 30 मिनट का रास्ता है और ये उसी के दरमियान का रास्ता है जो आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो चलिए आपको बंजोसा झील लिए चलते हैं और वहाँ के खूबसूरत जगह आपको दिखाते हैं। और हम बंजोसा जा रहे हैं। अचानक ही हमारा बंजोसा का प्रोग्राम बन गया है। इंस्टेंट आइडिया। सो वी आर गोइंग टू बंजोसा। वाओ। और इसके लिए ना तो महा खुश है और ना आयशा खुश है, लेकिन फिर भी हम बंजोसा जा रहे हैं। वाओ। ना तो अहमद खुश है। हम झील पहुंच चुके हैं। हमें सुनने में आया था कि झील बंद है, लेकिन लकीली ये खुली है और हम बहुत हैप्पी हैं। हम ही हैप्पी हैं, बाकियों को पता नहीं। आगे की तो बन जाएगी यार। पानी में अब अंग्रेजों ने यहाँ पे कब्जा किया तो बनाया। ओके जी, ये बहुत खूबसूरत जगह। ये झील की बैक साइड है, यहाँ से पानी आ रहा है। अभी हम आपको थोड़ी देर बाद झील का व्यू भी दिखाएंगे। अभी हम एक रेस्टोरेंट में खड़े हैं, होटल है ये, और ये उसकी बैक साइड है और वहाँ से ये खूबसूरत सा व्यू है। चश्मा यहाँ से जा रहा है और वो आगे झील है। अभी हम वहाँ पे भी जाएंगे। हम लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करते हुए झील की तरफ चल पड़े हैं। एंड ये जैनू है जो कि वॉक कर रही है। ये आयशा है, ये भी वॉक कर रही है और हम सब वॉक कर रहे हैं। गाड़ी में बैठ के दिल खराब हो रहा है का। गाड़ी में ही छोड़ आती। वो देखो किशन कर रहे हैं। ये कश्मीर में एक वाइल्ड पॉइंट है जहाँ पे हर बंदा आता है। जैनब इधर आ, वो तो जाके एक्शन मार रही है। ठीक है सही है। आहा इधर आ, आहा इधर आओ, इधर आ, बस बस जैनब इधर आए। चले हम भी ग्रुप फोटो में शामिल हो जाते। और ओके जी, अब हम नीचे झील की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत झील है ये। और जब हम थोड़ा टाइम पहले, ऑलमोस्ट 5 ईयर्स पहले आए थे, तो तब ये इससे भी ज़्यादा खूबसूरत थी। लेकिन अब हम जैसे लोगों ने ही जो है वो इस तरह की खूबसूरत जगहों को जो है वो गंदा कर दिया है। तो सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी ऐसी पिकनिक प्लेस पे जाएं तो प्लीज़ जो है वो सफाई का ख्याल रखें, ताकि नेचुरल जगहों की खूबसूरती जो है वो बरकरार रहे। यहाँ पर पानी थोड़ा कम है, वरना ये जगह ऑलमोस्ट फिल होती थी पानी से और इसके ऊपर से गुजर के जो है आगे जाते थे। लेकिन अभी थोड़ा शायद पानी कम है, लेकिन ये बैक साइड है झील की और अभी हम फ्रंट साइड पे जा रहे हैं, उसके बाद वो दिखाएंगे आपको। ओके जी, ये बत्तख है, डक। ये पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती थी, शायद अब लोगों ने थोड़ा गंदा कर दिया है तो ये अब इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, पर फुली वाइट होती हैं जी। ये है फ्रंट साइड। अच्छा, बड़ा पीसफुल सा माहौल है इस बार यहाँ पर, लॉकडाउन की वजह से भी और शायद ईद के दिन भी खत्म हो गए हैं। और यहाँ पे बहुत रश होता है, हर तरह के लोग आते हैं यहाँ पर।
लेकिन हम भी बाय चांस ही आए हैं, हमें नहीं पता था कि ये ओपन भी होगा या नहीं। हम कल भी प्लान कर रहे थे बट इस वजह से हम आए नहीं कि ये ना हो कि बंद हो और इतनी दूर आना बेकार चला जाए। तो आज हम ऑलमोस्ट हाथ से ज़्यादा तो आए हुए थे, तो हमने कहा चलो चेक कर लेते हैं। और लकीली हमें ये यहाँ का ओल्डेस्ट जो है वो रेस्ट हाउस है। सबसे पहले सिर्फ यही होता था, पहले यही होता था, अब तो काफ़ी सारे खुल गए हैं। और ये अब्दुलाहद है और डक आ रही है, डक जमीन पर आगे जा रहे हैं। वो ब्रिज है, वो ब्रिज है और वहाँ से स्टार्ट होती है, हम बैक साइड से इंटर हुए हैं। एक्चुअली हमें पता नहीं था कि ये ओपन होगी, तो इसलिए हमने बैक साइड से एंट्री की ताकि चोरी से, ताकि लॉकडाउन में भी। लेकिन आज लकीली ये ओपन है, तो वहाँ से जो है वो स्टार्ट होती है, उसके बाद ये सारी झील है। और वैसे तो यहाँ पे खाने पीने की या रिफ्रेशमेंट की कोई चीज़ फ़िलहाल नहीं है, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि आइसक्रीम है, तो हम जा रहे हैं, देखते हैं कि आइसक्रीम है या नहीं है। सो अगर हमें आइसक्रीम मिल गई तो हम आइसक्रीम खाएंगे। वैसे हम खाना वगैरह खा आए हैं, सो हमें वैसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस हम इसी में ही खुश हैं कि हमें ये खुली मिल गई है। और वो जो सामने नज़र आ रहा है वो पुल है, वो वहाँ से जो है वो पानी नीचे की तरफ गिरता है। अभी हम वहीं जाएंगे और वो भी आपको दिखाएंगे। ओके जी, ये है जी इसका ब्रिज क्रॉस करने के लिए। नॉर्मल डेज में जब हम यहाँ आते हैं तो पानी इसके ऊपर से फ्लो करता हुआ जो है वो नीचे जाता है, लेकिन अभी शायद पानी इतना ज़्यादा नहीं है सो फ्लो नहीं कर रहा। लेकिन ये वहाँ से जब फ्लो करता है और फिर उसके बाद यहाँ नीचे गिरता है और उसके बाद फर्दर जो है वो डिवाइड हो जाता है। अभी थोड़ा बहुत जो है वो हो रहा है फ्लो, ये जो है इन्होंने बनाया हुआ। वैसे जब पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है तो बहुत मज़े की जगह लगती है, लेकिन ये यहाँ से जो है वो फ्लो करता हुआ। अभी देखें ना लोगों ने किस कदर जो है वो गंद डाला हुआ है। एटलीस्ट आप अपने खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनको तो डस्टबिन में डालें। बिन्स तो बने ही होते हैं, ये नहीं है कि बिन्स नहीं है यहाँ पर, लेकिन हमारी पाकिस्तानी आवाम जो है, सो आई रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करूँगी सबसे जो भी यहाँ भी जाते हैं, जो भी घूमने फिरने के टूरिज़म के जो है वो शौकीन हैं, एटलीस्ट अपना गार्बेज जो है या तो अपनी गाड़ियों में रखें या फिर उसको डस्टबिन में फेंकें। तो आई थिंक सो ये हम मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। आई होप सो कि आपको ये जगह पसंद आएगी, उम्मीद है मुझे, क्योंकि बहुत प्यारी जगह है जी। दैट्स ऑल, ओके हम इसके बाद हम घर जा रहे हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।